हेलो गाइस, आज जो बताना है HDFC बैंक में कैसे आप UPI ID रजिस्टर करना, कैसे UPI ID सेट करना, पूरा एक के बाद एक स्टेप भी आपको बताएंगे, हर चीज़ का आपको बताएंगे, कैसे आप सेंड मनी कर सकते, कैसे आप रिक्वेस्ट मनी कर सकते, कैसे आप बारकोड से पेमेंट कर सकते, पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे। वीडियो में पूरा बने रहिए, पूरा वीडियो आप देखिए। मैं विश्वजीत, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है टैक्टिव विश्वजीत। चलिए शुरू कर रहा हूँ गाइस। फ़ोन में आ गया। फ़ोन में आने के बाद HDFC बैंक का जो UPI ID रजिस्टर करना, कैसे करना, आपको लाइव बताएंगे। HDFC बैंक का मोबाइल आप सब लॉगिन कर लीजिए, मैं लॉगिन करके आपको बताएंगे। मैं पासवर्ड डाल के मैं लॉगिन कर लेता हूँ गाइस। देखिए मैं पासवर्ड डाल दिए, डालने के बाद लॉगिन। गाइस देखिए HDFC बैंक का जो मोबाइल ऐप से मैं लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद आपको जो UPI ID रजिस्टर करने के लिए ऊपर देखिए 3 डॉट है, उसके बाद मेनू बोल के लिखे सो आ रहे हैं, यहाँ पे 3 डॉट को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद गाइस ऊपर देखिए होम बोल के लिखे सो आ रहे हैं, उसका नीचे पे बोल के लिखे सो आ रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करिए। एकदम ऊपर देखिए UPI पेमेंट बोल के लिखे सो आ रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद गाइस देखिए ये पेज पे आ जाते हैं। पेज पे आने के बाद आपका मोबाइल पे कितना सिम कार्ड है यहाँ पे बता देता। आपका एक सिम कार्ड है बोलो तो एक बताते, दो बोलो तो दो बताते। जैसा मेरा मोबाइल पे एक ही सिम कार्ड है, कौन सा कंपनी का सिम कार्ड है वो भी यहाँ पे बता दे रहे। नीचे देखिए वेरीफाई मोबाइल नंबर बोल के लिखे सो आ रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आपका मोबाइल से HDFC बैंक में एक मैसेज चला जाता। मैसेज जाने के बाद आपका वेरीफाई हो जाता। यहाँ पे देखिए HDFC UPI बोल के लिखे सो आ रहे, यहाँ पे एक तीर का निशान आ रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो रहे। देखिए मोबाइल नंबर मेरा वेरीफाई हो गया। गाइस देखिए मेरा SMS भी आ गया। गाइस यहाँ पे देखिए UPI ID बोल के लिखे सो आ रहे, उसका नीचे देखिए UPI ID आपका रजिस्टर हो गया। आपका जो UPI ID रजिस्टर हुआ, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर है @HDFC Bank बोल के लिखे सो आ रहे, तो ये आपका UPI ID हो गया। उसके नीचे देखिए HDFC Bank बोल के लिखे सारे, उसके नीचे देखिए प्लीज चूज ऑन बोल के जो लिखे सारे, यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर सिलेक्ट करना पड़ता। जैसे HDFC बैंक पे आपका 2-3 अकाउंट है बोले तो यहाँ पे बता देते, जैसे आपका एक ही अकाउंट बोले तो एक ही अकाउंट बताते। कौन सा अकाउंट में आप UPI ID रजिस्टर करना चाह रहे वो अकाउंट नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता। यहाँ पे अकाउंट नंबर मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। अकाउंट नंबर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर आ जाता, अकाउंट होल्डर का नाम भी यहाँ पे आ जाता, आपका नाम भी यहाँ पे बता दे रहे। उसके नीचे देखिए कंटिन्यू बोल के लिखे सारे, कंटिन्यू करिए। गाइस देखिए सक्सेसफुली मेरा UPI ID रजिस्टर हो गया, यहाँ पे पूरा डिटेल्स दे दिए। गाइस देखिए मैं बैक आ गया, मेरा UPI ID सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया। यहाँ पे 3 डॉट पे आ जाइए। 3 डॉट पे आने के बाद यहाँ पे देखिए पे बोल के जो लिखे सारे, यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद UPI पेमेंट को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका UPI ID रजिस्टर हो गया। यहाँ पे पूरा फ्यूचर आपका ओपन हो गया। UPI ID रजिस्टर करने के बाद अब जो यूज करते आपका यहाँ पे पूरा फ्यूचर आपको यहाँ पे दे दिए। तो यहाँ पे देखिए आप सेंड मनी बोल के जो ऑप्शन है, किसको भी अमाउंट को भेजा सकते, किससे भी अमाउंट आप ले भी सकते। जैसे रिक्वेस्ट मनी बोले तो आप किससे भी अमाउंट आप ले भी सकते। उसके बाद देखिए स्कैन इन पे बोल के लिखे सो आ रहे, यहाँ पे आप बारकोड किसका भी स्कैन करके भी आप पेमेंट किसको भी कर सकते। उसके बाद आप मोबाइल रिचार्ज भी आप कर सकते। स्प्लिट बिल बोल के जो ऑप्शन आ रहे, यहाँ पे बिल पेमेंट भी आप कर सकते। उसका नीचे देखिए यो UPI ID बोल के लिखे सो आ रहे, यहाँ पे आपका UPI ID जो आप बनाया, UPI जो रजिस्टर करे यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप बैंक अकाउंट दूसरा भी आप लिंक कर सकते। यहाँ पे लिंक अकाउंट बोल के जो लिखे सारे, जो अकाउंट आप लिंक करे, जो UPI ID से आप लिंक करे, यहाँ पे अकाउंट नंबर यहाँ पे बता दे रहे आपको। आप दूसरा अकाउंट भी आप ऐड कर सकते। जैसे HDFC बैंक में आपका 2-3 अकाउंट बोले तो HDFC बैंक का अकाउंट ऐड कर सकते। गाइस देखिए यहाँ पे दूसरा बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। HDFC बैंक का रूल का हिसाब से ऐसा दिए से HDFC बैंक में आपका 2-3 अकाउंट है तो कितना भी आप अकाउंट है तो आप अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते, दूसरा अकाउंट यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। गाइस यहाँ पे देखिए प्लस का जो आइकॉन दिए से, उसके बाद ऐड अकाउंट बोल के लिखे सारे, यहाँ पे सिलेक्ट करो तो आपका जो अकाउंट ऐड हो जाता। यहाँ पे देखिए प्लस को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे UPI ID आपका आ जा रहे, जो आपका UPI ID बनाया यहाँ पे आ गया। HDFC बैंक का ही अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते। यहाँ पे HDFC बैंक बोल के लिखे सो भी आ गया। उसके नीचे देखिए सिलेक्ट अकाउंट बोल के जो लिखे सो आ रहे, यहाँ पे सिलेक्ट करे तो
यहाँ पे देखिए जितना आपका अकाउंट है यहाँ पे बता देता है। जैसा मेरा दो अकाउंट है, मैं एक अकाउंट यहाँ पे ऐड कर लिए, फिर दूसरा अकाउंट भी यहाँ पे ऐड कर सकते। मैं दूसरा अकाउंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए नेम ऑन अकाउंट बोल के लिखे सारे, उसके बाद कस्टमर का जो नाम है यहाँ पे आ जा रहे, उसका नीचे देखिए कंफर्म बोल के लिखे सारे यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद देखिए सक्सेसफुली आपका बैंक अकाउंट ऐड हो गया। जितना भी आपका HDFC बैंक पे अकाउंट है आप इसके अंदर ऐड कर सकते। तो यहाँ पे मैं डन कर रहा हूँ। डन करने के बाद मैं बैक चला जा रहा हूँ। अकाउंट ऐड करना कैसे वो भी यहाँ पे बता दिए। यहाँ पे देखिए दो अकाउंट मेरा ऐड है, दो अकाउंट ही यहाँ पे बता दे रहे। तो यहाँ पे अकाउंट आप कौन सा भी अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते। दूसरा बैंक का अकाउंट ऐड करने का कुछ भी यहाँ पे सिस्टम दिए सो नहीं है। आप HDFC बैंक में आपका जितना अकाउंट है आप ऐड कर सकते। को सेंड मनी कैसे करना वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पे सेंड मनी बोल के जो लिखे सारे यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए ऊपर में आपका UPI ID यहाँ पे बता दे रहे, कौन सा बैंक यहाँ पे ऐड करे से वो भी यहाँ पे बता दे रहे। उसके नीचे देखिए तीन ऑप्शन दे रहे, एक UPI ID, एक बैंक अकाउंट, एक MMID बोल के लिखे सो आ रहे। तो UPI ID जो लिखे सो है पेमेंट करके आपको बताएंगे। गाइस यहाँ पे देखिए UPI बोल के जो लिखे सो आ रहे यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट पे एकदम आपका UPI ID आपको बता देता, आपका अकाउंट नंबर जो लिंक है वो भी यहाँ पे आ जाता। गाइस उसके नीचे देखिए पे UPI ID बोल के लिखे सो आ रहे, उसके नीचे देखिए पे नेम बोल के लिखे सो आ रहे, पे नेम आपको ऑटोमेटिक आ जा। UPI ID डालने के बाद ही पे नेम आपका आ जाता। उसके नीचे आपको अमाउंट डालना पड़ता। अमाउंट डालने के बाद रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते, जैसे आपको पेमेंट करे आप याद रखने के लिए कुछ भी यहाँ पे लिख सकते। मैं UPI ID यहाँ पे डाल देता हूँ। UPI ID डाल के आपको बताएंगे। गाइस देखिए मैं UPI ID डाल दिए, डालने के बाद डन कर रहा हूँ। गाइस देखिए डन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे UPI ID जिसका है उसका नाम यहाँ पे बता दे रहे, जिसका UPI ID है उसका नाम आ रहा क्या दूसरा आ रहा वो चेक कर लेना। करने के बाद नीचे देखिए अमाउंट बोल के लिखे सारे, अमाउंट पे यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते। मैं 100 रुपीज लिख लेता हूँ, उसके बाद डन कर रहा हूँ। यहाँ पे रिमार्क्स में आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते। गाइस यहाँ पे देखिए डिपॉजिट बोल के मैं लिख लिए, लिखने के बाद यहाँ पे डन कर दीजिए। डन करने के बाद नीचे देखिए कंटिन्यू बोल के लिखे सारे, कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल्स यहाँ पे दे दिए। HDFC बैंक का जो UPI ID से आप पेमेंट कर रहे हैं, HDFC बैंक का UPI ID दे दिए, HDFC बैंक का अकाउंट नंबर दे दिए, किसको पेमेंट कर रहे उसका नाम दे दिए, उसका UPI ID भी दे दिए, आप कितना पे कर रहे वो भी दे दिए, डेट भी यहाँ पे बता दे रहे, जैसे आप डिपोजिट बोल के यहाँ पे लिखे वो भी यहाँ पे डिटेल्स दे रहे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंफर्म बोल के लिखे सारे, कंफर्म करिए। गाइस देखिए UPI ID से आप जो पेमेंट करे पेमेंट यहाँ पे हो गया, पूरा डिटेल्स आप यहाँ पे दे दिए। आप रेसिप को शेयर भी कर सकते, जैसा आप पेमेंट करे जिसको आप उसको भेजना पड़ता। यहाँ पे शेयर बोल के जो लिखे सो है शेयर को सिलेक्ट करो, तो देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप, ईमेल आईडी हर चीज पे आप ये शेयर कर सकते, उसको भेजा सकते। उससे बाद देखिए डाउनलोड का भी ऑप्शन आ गया, ये आप रेसिप को आप डाउनलोड भी कर सकते। डाउनलोड को सिलेक्ट करो तो डाउनलोड भी हो जाते। उससे बाद यहाँ पे देखिए नीचे डन बोल के लिखे सारे, डन कर दीजिए। UPI से कैसे पेमेंट करना UPI ID में को पूरा बताया। उससे बाद देखिए बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करिए। बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद पहले बैंक होल्डर का नाम डालना पड़ता, उसके बाद बैंक अकाउंट डालना पड़ता, उसके बाद फिर से बैंक अकाउंट डालना पड़ता, उसके बाद IFSC कोड डालना पड़ता, उससे बाद आप कितना अमाउंट आप भिजाना चाह रहे अमाउंट डालना पड़ता। उससे बाद रिमार्क्स में कुछ भी लिख सकते, कुछ भी डाल सकते। तो मैं अकाउंट नंबर से भी आप पेमेंट करके आपको बताएंगे। यहाँ पे मैं अकाउंट होल्डर का नाम डाल दे रहा हूँ। गाइस देखिए अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे डाल दिए, उससे बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। गाइस देखिए मैं अकाउंट नंबर डाल दे, फिर से आपको रिपीट वही अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना पड़ता। मैं दोबारा वही अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। गाइस देखिए फिर से मैं दोबारा वही अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल दे, उससे बाद यहाँ पे IFSC कोड डालना। यहाँ पे IFSC कोड मैं डाल देता हूँ। गाइस देखिए मैं IFSC कोड भी यहाँ पे डाल दे। उससे बाद नीचे देखिए अमाउंट डालना पड़ता, कितना अमाउंट आप ट्रांसफर कर रहे वो अमाउंट यहाँ पे डालना पड़ता। यहाँ पे अमाउंट मैं 100 रुपये डाल देता हूँ। गाइस देखिए मैं अमाउंट 100 रुपये यहाँ पे डाल दे। उससे बाद रिमार्क्स में कुछ भी डाल सकते, कुछ भी आप लिख सकते। आपको याद रखने के लिए आप यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते। यहाँ पे मैं डिपॉजिट बोल के लिख देता हूँ। गाइस यहाँ पे देखिए डिपॉजिट बोल के डाल दिए। डालने के बाद नीचे देखिए कंटिन्यू बोल के लिखे सारे, यहाँ पे कंटिन्यू करिए।
कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे दे दिए HDFC बैंक का। अब जो UPI ID रजिस्टर करे UPI ID यहाँ पे आ गया। उसके बाद जो अकाउंट ऐड करे से वो अकाउंट नंबर यहाँ पे आ गया, कौन सा अकाउंट में आप डिपोजिट कर रहे उसका नाम आ गया, उसका अकाउंट नंबर आ गया, कितना अमाउंट आप ट्रांसफर कर रहे वो भी यहाँ पे आ गया। उसके बाद डेट भी आ गया, रिमार्क्स में आप क्या लिखे वो भी यहाँ पे आ गया। उसके बाद नीचे देखिए कंफर्म बोल के लिखे सारे यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए। गाइस देखिए मेरा सक्सेसफुली पेमेंट हो गया। मैं HDFC बैंक से मैं एक्सिस बैंक में ट्रांसफर करा, एक्सिस बैंक का अकाउंट था, एक्सिस बैंक का अकाउंट पे ट्रांसफर करा। यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ गया, आप यहाँ पे पूरा चेक भी कर सकते। गाइस देखिए आप अमाउंट जो ट्रांसफर करे ये स्लिप को आप शेयर भी कर सकते। यहाँ पे देखिए शेयर बोल के लिखे सारे यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे दे रहे, यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप पे भी आप भिजा सकते, मैसेज को भी भिजा सकते, ईमेल पे भी भिजा सकते। मैं यहाँ से बैग जा रहा हूँ। बैग जाने के बाद यहाँ पे देखिए डाउनलोड का भी ऑप्शन आ रहा है, अब इस स्लिप को डाउनलोड भी करके रख सकते। उसका नीचे देखिए एक टार का लोगो है, एड टू फेवरेट बोल के लिखे से सिलेक्ट करके स्लिप आप रख सकते। उसके बाद नीचे देखिए डन बोल के लिखे सर है, यहाँ पे डन कर दीजिए। गाइस देखिए UPI से भी पेमेंट करके आपको बताया, बैंक अकाउंट से भी पेमेंट करके आपको बताया। गाइस देखिए उससे बाद MMID मोबाइल नंबर से भी आप पेमेंट कर सकते। यहाँ से भी मैं बैक चला जा रहा हूँ। गाइस देखिए सेंड मनी का आपको पूरा बताया। गाइस उससे बाद देखिए रिक्वेस्ट मनी को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आप रिक्वेस्ट डाल के पेमेंट मांगा सकते। गाइस आप यहाँ पे जो UPI ID डालेंगे, अब जो UPI ID रजिस्टर करे HDFC बैंक पे वो UPI ID नहीं डालना, अब दूसरा UPI ID यहाँ पे डालना पड़ता पेमेंट मांगने के लिए। यहाँ पे देखिए मैं दूसरा UPI ID यहाँ पे डाल रहा हूँ। मैं HDFC बैंक का जो UPI ID रजिस्टर करा वो UPI ID मैं नहीं डाल रहा हूँ, मैं दूसरा UPI ID यहाँ पे डाल रहा हूँ। यहाँ पे UPI ID मैं डाल देता हूँ। गाइस देखिए मैं UPI ID डाल दिए। डालने के बाद नीचे देखिए पेन नाम बोल के आ रहे, यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए जो UPI ID आप डाले UPI ID का यहाँ पे नाम बता दिए, नाम आप एक बार चेक कर लिए। चेक करने के बाद यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए, 100 रुपीज में यहाँ पे डाल दिए। 100 रुपीज डालने के बाद यहाँ पे देखिए डेट सिलेक्ट करना पड़ता, कौन सा डेट पे आपको लेना है। यहाँ पे जो कैलेंडर का लोगो है यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे देखिए कैंसिल का नीचे यहाँ पे डेट का ऑप्शन आ जा रहे, यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप डेट सिलेक्ट कर सकते, तो मैं यहाँ पे 2 तारीख में सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जो 2 तारीख में डाला 2 तारीख में ही पेमेंट आपको डालना पड़ता, 2 तारीख के बाद पेमेंट करे तो पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते, कैंसिल हो जाता। रिमार्क्स में आप कुछ भी आप लिख सकते। लिखने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू बोल के लिखे सारे कंटिन्यू कर दीजिए। गाइस देखिए मेरा सक्सेसफुल हो गया, उसका मोबाइल नंबर पे मैसेज भी आ गया। देखिए मैसेज भी आ गया, जो UPI ID मैं डाला था दूसरा फोन का है, दूसरा फोन का जो UPI ID था उसका अंदर मैसेज भी आ गया। यहाँ पे रिक्वेस्ट मनी भी कैसे करते आपको वो भी यहाँ पे बता दिए। यहाँ पे देखिए शेयर का भी ऑप्शन आ रहे, आप उसको शेयर भी कर सकते। यहाँ पे डाउनलोड का भी ऑप्शन आ रहे, डाउनलोड करके भी रख सकते। यहाँ पे डन करिए। रिक्वेस्ट मनी कैसे मंगाना वो भी आपको बता। उससे बाद देखिए स्कैन है पेबल के लिखे से यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद ओके करिए। ओके करने के बाद यहाँ पे कैमरा चालू हो जाता, जिसको भी आप अमाउंट सेंड करना चाह रहे उसका बारकोड को स्कैन करना पड़ता, जैसा फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया। गाइस देखिए फोन पे का बारकोड मैं स्कैन कर रहा हूँ। गाइस देखिए मैं फोन पे का जो बारकोड स्कैन करा, यहाँ पे देखिए जिसका UPI ID था उसका नाम यहाँ पे आ गया, उसका मोबाइल नंबर के साथ जो UPI ID रजिस्टर है वो भी यहाँ पे आ गया। कितना अमाउंट आप सेंड करना चाह रहे यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए, मैं 10 रुपये डाल देता हूँ। यहाँ पे रिमार्क्स में यहाँ पे कुछ भी आप डाल सकते। यहाँ पे मैं कुछ भी मैं लिख देता हूँ, मैं लिख कर डन। उससे बाद नीचे देखिए कंटिन्यू बोल के लिखे सारे कंटिन्यू कर दीजिए। उससे बाद यहाँ पे पूरा डिटेल्स दे देते, यहाँ पे पूरा डिटेल्स आप एक बार चेक कर लीजिए। जो UPI ID स्कैन करे उसका नाम आ गया, UPI ID आ गया, कितना अमाउंट आप सेंड कर रहे वो अमाउंट भी यहाँ पे आ गया। अब जो HDFC बैंक का जो UPI ID है वो भी यहाँ पे बता दे रहे, अकाउंट नंबर भी यहाँ पे बता दे रहे, कौन सा अकाउंट नंबर यहाँ पे बता दे रहे। कंफर्म बोल के लिखे सारे कंफर्म करिए। गाइस देखिए थोड़ा टाइम ले रहा, गाइस देखिए मेरा सक्सेसफुली पेमेंट हो गया। यहाँ पे पूरा आपको लाइव बताया कैसे कैसे आप पेमेंट करना, एक का बाद एक स्टेप आपको बताते जा रहा हूँ। HDFC बैंक का UPI ID रजिस्टर करने के बाद को हर चीज़ आपको बता रहा हूँ।
यहाँ पे पूरा डिटेल्स दे दिए, यहाँ पे पूरा आप चेक कर ले सकते। उसके बाद नीचे भी पूरा डिटेल्स दे दिए, UPI ID दे दिए, नाम दे दिए, अकाउंट नंबर दे दिए, यहाँ पे पूरा कितना अमाउंट आप ट्रांसफ़र करें वो भी दे दिए। उससे बाद यहाँ पे शेयर भी कर सकते, व्हाट्सएप पे भी कर सकते, ईमेल पे भी कर सकते, आप डाउनलोड करके भी इस स्लिप को उठा के रख सकते। यहाँ पे डन बोल के लिखे सारे डन कर दीजिए। गाइस देखिए यहाँ पे आपको पहले सेंड मनी कैसे करना वो भी बताया, रिक्वेस्ट मनी कैसे लेना वो भी आपको बताया, उससे बाद स्कैन एंड पे कैसे पेमेंट करना वो भी आपको बताया। उससे बाद आप मोबाइल रिचार्ज भी यहाँ से कर सकते। यहाँ पे देखिए रिचार्ज बोल के लिखे सारे, यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद ये तो नॉर्मल है, यहाँ पे नंबर डालना, अमाउंट डालना, आप पे कर सकते। मैं यहाँ से भी बैक चला जा रहा हूँ, तो यहाँ से भी मैं बैक चला जा रहा हूँ। गाइस सारा एक बात है, आप UPI ID से जो जो आप यूज करें, आप सेंड मनी करें, रिक्वेस्ट मनी, जो जो आप करें, बारकोड से पेमेंट, आप जो जो करें उसके भी आप डिटेल्स आप देख सकते। अब नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन हिस्ट्री बोल के जो लिखे सर है, यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद देखिए मैं जो जो यूज़ करा मैं UPI ID का, UPI ID से जो जो अमाउंट मैं यूज़ करा, यहाँ पे पूरा डिटेल्स यहाँ पे दे दिए। यहाँ पे कौन सा पेमेंट आपको फेल हुआ यहाँ पे वो भी चेक कर सकते, कौन सा सक्सेस हुआ वो भी आप चेक कर सकते, पूरा डिटेल्स यहाँ से आप चेक कर सकते। यहाँ से भी मैं बैक चला जा रहा हूँ। UPI ID रजिस्टर करने का आपको पूरा एक का बाद एक स्टेप बता दिए, कैसे यूज़ करना वो भी एक का बाद एक स्टेप आपको बताया। गाइस पूरा वीडियो में आपको बताया HDFC बैंक में कैसे UPI ID आप रजिस्टर करना, कैसे आप सेट करना, पूरा एक के बाद एक स्टेप आपको बताया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कोई सवाल रहे तो कमेंट करिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यही जानकारी देना था, बाय, टेक केयर।